लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। आज लुधियाना जिला के मजदूरों, स्त्रियों, बुद्धिजीवियों, जनवादी कार्यकर्ताओं के 70 से अधिक जनवादी जन संगठनों ने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर काले कानूनों के जरिए जनता की अधिकारण पूर्ण आवाज को चलने के खिलाफ रोषपूर्ण विशाल प्रदर्शन किया। इससे पहले शहीद करतार सिंह सराभा पार्क से डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च भी किया गया था। संगठनों ने मांग की कि जिला प्रशासन द्वारा जिला धारा 144 लगाकर धरना प्रदर्शनों पर अनिश्चितकालीन पाबंदी तुरंत रद्द की जाए। सरकार ने एक ऐलान कर दिता, नोट्स कर दिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी भी लुधियाना शहर दे विच कमिश्नर दे एरिए ते कोई धरना मुजहरा नहीं हो। किसी ने धरना मुजहरा करना तो वह समराला रोड से जाए बर्धमान को, जो कि साडा तर्क आ भी समस्यावां वध रहीआं ने। किसान आत्महत्या कर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा, किसानां नूं काम नहीं मिल रहा, नौजवानों रुजगार नहीं मिल रहा, ठेके ते जिहड़े मुलाजम काम करते हैं 800 ते 8000 ते उन्हां नूं 6-6 महीने तो तनखाह नहीं मिल रही, थाणियां च धक्के हो रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, मतलब लुट्टां खोहां वध रहीआं ने। किसी दफ्तर च बिना रिश्वत तो कोई काम नहीं हुंदा, लोग मारे मारे फिरते हैं। तो जदों इह जिहा वातावरण होवे, जे असी प्रोटेस्ट नहीं कर सकांगे जो साडा संविधानक हक दिता, फिर तो मतलब होर मतलब अनारकी फैल जूगी। एक जगह तो मान लो किसी थाने मूहरे धक्का हो रहा जी, किसी थाने दे विच हत्या हो गई, सुइसाइड कर गया, उत्थे जाके प्रोटेस्ट करांगे, जिथे धक्का उत्थे ही करांगे। जे थाने च धक्का हुंदा, जे मतलब उत्थे फरीदकोट मुंडे कुड़ियां कुट्टे तां लोकां ने उत्थे प्रोटेस्ट कीता, जे थाने दे विच बंदा मरदा हैगा उत्थे प्रोटेस्ट होगा, जे बिजली बोर्ड च लोगों दी समस्या नहीं सुनी जाती उत्थे धक्का होगा जी। डीसी दफ्तर भ्रष्टाचार का बोलबाला, कोई सुनवाई नहीं है तो डीसी दफ्तर ही करांगे, उत्थे किने सुनवाई करनी हैगी। कोल जो एमरजेंसी दे विच इंदिरा गांधी वेले होया सी, शहरी आजादियां ऐलान करता सी भी कोई धरना मुजहरा सी, वलंटियर रहे एमरजेंसी च, अज उस रास्ते ते अणअलानी एमरजेंसी ने लाई आ जिहदियां असीं धज्जियां उड़ावांगे, असीं जां प्रोटेस्ट करांगे, लोगों की खतल लड़ांगे जां जेलां जावांगे। वतीरा गा बहुत माड़ा ते बड़ा घटिया है, जिहड़ी साडे धरने मुजहरे साडी जवान नूं दबाउणा चाहुंदी है ये साडी दबा नहीं सकदी। 144 बहुत बार ला के देख ली है, असीं 144 तोड़ना चाहुंदे हां। बादल साहब दा 10 साल राज कीता, उन्हें ना साडे उत्ते डांगा बछाणा, और हुण तक साडे कल्ले कल्ले जिहड़े लीडर है उत्ते सत केस पे होया है, पर असीं इन्हां केसां तों इन्हां डांगा तों इन्हां बछाणा तों घबराउण वाले नहीं। डीसी साहब जिस तरह भी को धरना मुजहरा करना है, जिस तरह भी रैली कढ़नी है, तेरे दफ्तर ते आके कढ़ांगे आके, और ते जड़ी 144 है तू रज के ला के देख ली, ये घबराने वाले लोग नहीं। जड़ी साड़ी आंगनबाड़ी वर्कर है स्कीम है, इनू अज तक पक्का नहीं किया, जब पक्के करने का बहुत जरूर है, अस तक कहने घट्टो घट 100 महीने भेज लिया जाए, पर सरकार ने खुद 44-45 लेबर काउंसिल की सिफारिशा मन के उन्हें लागू नहीं कर रही। असी उस केंद्र जाके सरकार दे मोर जाके भी हुण जाके असी सारा हड़ताल की है, तो उत्थे जाके असी बड़ा अपना बैरीकेड तोड़े जाके और सरकार नूं जगाया है कि जिहड़ा तुसी हुण बजट दे विच सड़क कटौती करन जा रहे हो, सानू पूरा बजट मिलना चाहिए, लेकिन असी जाके मोदी दा अप्रोच यूज करांगे जे सानू बजट वादा ना कीता। नेशनल बस के लिए लुधियाना से अजय पावा की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।